उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत हैं मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार। अरविंद केजरीवाल ने कहा उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता यह सुनिश्चित करे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी भ्रष्ट नेता संसद में ना पहुंचने पाए। दिल्ली सरकार 16 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जन लोकपाल विधेयक करेगी पेश। 13 से 16 फरवरी के दौरान दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र बुलाया जाएगा जिसमें जन लोकपाल विधेयक को किया जाएगा पारित। भाकपा आगामी लोकसभा चुनाव के बाद जनता को बेहतर विकल्प देने के लिए कई क्षेत्रीय दलों के संपर्क में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि पार्टी गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी पार्टियों को अपना समर्थन देगी और जनता को एक बेहतर विकल्प मुहैया करवाएगी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी तीसरे विकल्प का दावा। केजरीवाल ने कहा उनका मकसद वंशवाद की राजनीति को खत्म करना। भाजपा ने किसी भी तरह के तीसरे विकल्प की संभावना से किया इनकार। कहा भाजपा और कांग्रेस के बीच है सीधा मुकाबला। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम गैंगरेप मामले में जारी किया निर्देश। मुख्य सचिव से अब तक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का मांगा विवरण। उच्चतम न्यायालय ने 1993 में दिल्ली बम विस्फोट के आरोपी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की मृत्युदंड सजा पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया। आज शेयर बाजार हरे निशान के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 16 अंक की बढ़त के साथ 20,514 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 16 अंक बढ़कर 6,090 पर बंद हुआ। न्यूजीलैंड ने 5वें एक दिवसीय मैच में भारत को 87 रन से हराया। सीरीज में भारत को 4-0 से मिली मात।